बिलासपुर नगर निगम के बजट में जिस तरह 300 से लेकर 2000% तक करों में वृद्धि की गई है, उससे हर तरफ महापौर और एमआईसी की छीछा लेदर हो रही है। स्थिति इसलिए भी खराब है कि फिलहाल कोई यह नहीं बता पा रहा कि अजूबा बजट आखिर किसने तैयार किया। हर कोई पल्ला झाड़ रहा है। पहले महापौर और एमआईसी के सदस्य इसका बचाव करते रहे, मगर मंत्री द्वारा फटकार लगाए जाने पर उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है। आखिर ये बजट किसने बनाया, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। महापौर इस बात पर अड़े हैं कि लोगों को असल में बजट समझ में ही नहीं आया। वे क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। बजट कोई अभी भी इस पर बड़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों को, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सही गणना कोई नहीं कर पा रहा है। चूँकि अब ये विषय निरंतर लगातार आ रहा है, इसलिए अब आने वाले समय में आपको युक्तिसंगत और अच्छा बजट मिलेगा। मंत्री अमर अग्रवाल ने यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बजट की समीक्षा होगी और जनता पर इस तरह भारी कर नहीं लादा जा सकता। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेसी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उस पर निशाना साधते हुए महापौर जरूर यह कहते हैं कि सदन में इस पर बहस कर सुझाव देने की जगह सड़क की लड़ाई लड़ कांग्रेसी यह साबित कर रहे हैं कि उन्हें असल मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें तो बस राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। बजट के बाद हम सुझाव मंगाने वाले थे, चर्चा होनी थी, लेकिन किन कारणों से मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग सदन में तो आए नहीं और सड़कों पे सीधा उतर आए कि बढ़ गया। हालांकि भारी करारोपण के इस प्रस्ताव को कब वापस लिया जाएगा और करों का नया ढांचा क्या होगा, इस पर बोलने से फिलहाल महापौर बच रहे हैं। लेकिन पहले बजट में ही अपनी और पार्टी की किरकिरी जरूर उन्होंने करा दी है, जिसके लिए उन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री तक से फटकार मिलने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ प्रवीर भट्टाचार्य, सिटी न्यूज़ बिलासपुर।